तो हे व्हाट्सअप गाइस, आज लाइफ जर्नी के बारे में हम बताने चाहते हैं आपको कि हमारे लाइफ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये हमें पता नहीं है। तो आगे चल के देखते हैं अपन। लाइक एंड सब्सक्राइब, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और नहीं लगे तो मत करो, कोई अर्जेंट नहीं है। और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दुर्गेश चतुर्थी, आप सब जानते हैं मुझे दुर्गेश लोकसी के नाम से जानते हैं आप सब। मेरी एज है 14 ईयर्स की और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। आई लिव इन अतुनिया। मेरी कहानी शुरू होती है आज से 14 साल पहले। तो वैसे तो 9 साल तो ऐसे वैसे बीत गए, तो फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वैसे तो मेरे पास टैलेंट भी बहुत था, मेरे पास वो मैं तब 5वीं क्लास में था। तब मैंने 2 साल की 3री और 4थी मैंने प्रैक्टिस की थी नवोदय की। तो मैंने नवोदय में JNV में फॉर्म डाला था, पर मेरे 84-85 नंबर चाहिए थे तो मेरे आए थे 84। तो फिर मेरी वैसे तो काउंटिंग वेटिंग लिस्ट में भी चल रही थी पर नंबर नहीं आया। ऐसे वैसे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा नंबर नहीं आया। तो फिर धीरे धीरे दिन गए और मैं 6th क्लास में आया। तो मेरी मोम ने छोटा सा मोबाइल लिया था, उसका नाम था जियो। तो जियो मोबाइल में फिर मैंने यूँ ही 2-3 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं किया, और फिर 2-3 महीने तक ऐसे फालतू की चीज़ें देखता रहा। तो फिर मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम चला के देखते हैं। इंस्टाग्राम तब चलता नहीं था, तो इंस्टाग्राम की मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, फिर वेबसाइट भी बहुत सारी देखी। तो वेबसाइट भी कोई काम नहीं करी मेरे लिए। तो फिर मैंने गूगल पे 4-5 वेबसाइट सर्च करी, उससे भी नहीं आए। तो फिर मैंने बहुत सारी वेबसाइट मेरे दोस्तों से पूछा, उन लोगों को भी मालूम नहीं था उस टाइम पे। तो फिर मैंने वेबसाइट की खोज की कैसे कैसे, और फिर इंस्टाग्राम चलाया। इंस्टाग्राम में ही आईडी बनाई थी मैंने, तब 2 फॉलोअर थे मेरे और 1-2 लाइक आते थे। तब मैंने एक पोस्ट की थी, मैंने धीरे धीरे फॉलोअर आते गए और फिर मैं इंस्टाग्राम छोड़ दिया था मैंने वैसे तो। पर फिर आईडी मैंने लॉगिन की थी, मेरा MI का मोबाइल लाया था मैं छोटा सा, फिर उस MI के मोबाइल में मैंने आईडी खोली थी मेरी। तब मेरे थे 78 फॉलोअर थे और लाइक की आती थी मेरे 23-25 इसके आसपास आती थी लाइक के। और फिर मैं न्यू मोबाइल लाया था रियलमी कंपनी का, तो उसमें मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। यूट्यूब मतलब 15 जनवरी अभी की थी, बटर 2-3 महीने हुए अभी की थी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट। तो 15 जनवरी 2022 से मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे मैंने एक ब्लॉग डाला था, वो लोग मेरा उस पर ऐड आने लग गए थे। तो फिर ऐसे करते करते मेरे आज 600 सब्सक्राइब कम्प्लीट हो चुके हैं। तो बहुत मुश्किल से